यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं, पब्लिक की खड़े होने की जगह नहीं। ये छोटी सी एक पान की टेबल, तो भाई साहब बता रहे थे इसका इनको 1000 रुपीज पर डे रेंट देना पड़ता है। दोस्तों कहते हैं मुंबई शहर कभी नहीं सोता, 24 आवर्स वहाँ पे आपको मार्केट्स खुली मिल जाएंगी। आई मीन शहर जो है वो पूरी रात वहाँ की ज़िंदगी चलती रहती है, यानी 12 बजे भी अगर आपको भूख लगी और आपको खाना खाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है। अब नाइट लाइफ नहीं है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब 9 बजे यहाँ पे मार्केट्स बंद हो जाती हैं नॉर्मल रूटीन वाली, 10 बजे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, और 12 बजे बाई चांस अगर आपको भूख लगे ना तो हो सकता है कि आपको, अगर आप यहाँ के बारे में नहीं जानते कुछ खास जगहों के बारे में जहाँ पे रात में आपको खाना मिल सकता है, तो हो सकता है आपको भूखे ही सोना पड़ जाए। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, ऐसी ही एक जगह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे अगर आपको 12 बजे क्या 2 बजे भी अगर आपको भूख लगे ना तो आप 2 बजे भी यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। और हम बात करें नाइट फूड स्ट्रीट की। जी हाँ, नाइट फूड स्ट्रीट जो मेरे पीछे आपको एक ये दिख रहा है ना आपको लाइटिंग्स, ये नाइट फूड स्ट्रीट है और ये आपको मिलेगी, ये सामने PGI है, PGI के जस्ट अपोजिट, यानी PGI का जस्ट मेन गेट जो है चंडीगढ़ का, उसके जस्ट अपोजिट आपको नाइट फूड स्ट्रीट मिलेगी। और यहाँ नाइट फूड स्ट्रीट में आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त आ कर के खाना खा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, क्या आप खा सकते हैं नाइट फूड स्ट्रीट में। ये सामने जो बहुत ज़्यादा ग्लो हो रही है ना लाइट, हो सकता है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लो हो रही है तो आपको दिख ना रहा हो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ये लिखा है नाइट फूड स्ट्रीट चंडीगढ़ 24x7। और यहाँ पर आप 24x7 किसी भी टाइम आए, आपको ये मार्केट कभी सोती हुई नहीं मिलेगी, आप किसी भी वक्त आके यहाँ पर खाना खा सकते। थोड़ा सा एक ओवरव्यू उसका दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। और भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा भी फ़ोटो दिखाइए अंकल जी, आपका बिल्कुल दिखाएंगे। आप यहीं से हैं? PGI स्टैंड, टैक्सी स्टैंड है। अच्छा, टैक्सी, ये PGI के टैक्सी स्टैंड के प्रधान साहब हैं, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, थैंक यू। तो ये है जी चंडीगढ़ की नाइट फूड स्ट्रीट, जस्ट अपोजिट टू PGI हॉस्पिटल चंडीगढ़। अभी मैं एक ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ, आधा इसका पार्ट इधर है और आधा ये उधर है, राइट। और रोटी से लेकर के आपको यहाँ पर सब कुछ, आई मीन डेजर्ट्स हो, रोटी हो, खाना हो, चावल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको इनका मेन्यू कार्ड दिखा देता हूँ, अगर आप रीड नहीं कर पा रहे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे ड्रिंक्स और शेक्स, स्नैक्स, पास्ता, मैगी, चाइनीज़ फूड है जैसे लाइक चीज़, चिली चिली, मशरूम, वेज मंचूरियन, इंडियन फूड है कढ़ाई पनीर, शाह पनीर, एंड देयर लॉट्स ऑफ वैराइटीज़। प्राइस रेंज की आपको बात बताऊँ तो जो चीज़ चिली यहाँ पर है वो है 120 रुपये, और चिली मशरूम भी 120 है। और इंडियन फूड की अगर मैं बात करूँ तो कढ़ाई पनीर है 115 और शाही पनीर है 115, मटर मशरूम है 115 और मिक्स वेज है 70। तो वही नॉर्मल रेट है जो बाहर रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट आपको ये है कि आप किसी भी वक्त आइए आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। डोंट रश, एवरीथिंग टेक टाइम। ये अब ये यहाँ पे क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो आपको शायद यहाँ पे रश थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। अभी रात के करीब 8 बजे होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, अभी तो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स वगैरह बाहर भी खुले रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आपको रश इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी यहाँ पर रश भी बढ़ता जाएगा। और रात के 2 बजे अगर आप यहाँ पर आएँ तो 2 बजे तो मतलब आप ये मानिए कि आपको टोकन लेके लाइन में लगना पड़ेगा खाना लेने के लिए। रीज़न ये है कि यहाँ बहुत सारे जो आसपास ऑफिसेज हैं उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, लाइक BPOs हैं और सम अदर IT ऑफिसेज हैं, तो रात में 2 बजे के करीब जब उनका लंच टाइम होता है तो वो सब लोग यहीं पर आते हैं खाना खाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ
जो नाइट क्लब है तो थोड़ी बहुत तो नाइट लाइफ है यहाँ पे भी यार, नाइट क्लब्स हैं यहाँ पे कुछ अच्छे खासे। तो रात में 2 बजे वो लोग बाहर आते हैं नाइट क्लब से, तो फिर उनको भूख लगती है तो फिर वो भी यहीं पे आते हैं। तो रात में 2 बजे आपको यहाँ पे माहौल काफ़ी रंगीन दिखता है। समझ रहे हो ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये है जी बिलिंग काउंटर, यहाँ से आपको बिलिंग करानी होती है और यहाँ से बिलिंग कराने के बाद फिर आप आगे कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जो दूसरी साइड है NFS की वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे आपको पान भी मिल जाएगा दी, देखिए आपको मीठा पान खाना हो खाने के बाद तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। क्या प्राइस है भैया, कितने का पान है? 30 रुपए का है मीठा पान, चॉकलेट है 60 रुपए का है। अच्छा चॉकलेट पान भी आपके पास, दिखाओगे एक बार? ये देखिए भाई साहब आपको चॉकलेट पान भी मिल जाएगा यहाँ पे ओनली 60 रुपीज़। और मैंगो भी है ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं ये मैंगो फ्लेवर। तो आजकल तो मैंगो का मौसम नहीं है, फिर कहाँ से लाते हैं? अच्छा अच्छा ओके। और ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी मीठा पान बन रहा है। ये स्ट्रॉबेरी है तो वो आपने बताया नॉन प्लेन 30 रुपीज़, चॉकलेट 60 और मैंगो 60 फायर पान 50। और ये स्ट्रॉबेरी 40 रुपये और फायर वाला 50 रुपये। तो ये भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। ये प्रमोद कुमार जी हैं, अगर कभी भी आपका NFS आना हो तो इनका पान ज़रूर खाना आप आके। और अगर आप देखिए ये यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, मीन्स आपको टोकन लेकर के खुद ही जाना पड़ेगा खाना लेने के लिए। यहाँ पर आपको कड़ा हुआ दूध भी मिल जाएगा। कितने का ग्लास है भाई दूध का? कितने का ग्लास है दूध का? 50 रुपीज़। अच्छा ये 50 रुपीज़ बाउल है। ये कड़ा हुआ दूध है, कुछ और भी डलता है इसमें या सिर्फ दूध? ये केसर वगैरह डाल रखा आपने कुछ? सैफ्रन और सर सैफ्रन मिल्क तो यहाँ पर 60 रुपीज़ ना, 50 रुपीज़ में आप सैफ्रन मिल्क का मज़ा ले सकते हैं। हाँ या इट्स वेरी फेमस प्लेस और ये पूरी रात खुलता है राइट, 24x7 ओके। और अभी तो थोड़ा सा रश कम है, 11 o'clock के बाद 11 o'clock के बाद भाई साहब कह रहे कि यहाँ पे बहुत रश होता है। और वो टूरिस्ट प्लेस ये अभी तो ये काफ़ी रेनोवेट हो गया। अच्छा यू कैन सी 12 o'clock सैटरडे संडे ओके। यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं, पब्लिक की खड़े होने की जगह नहीं। हाँ मैंने देखा एक आध बार मैं रात में आया हूँ, पर तब ये इतना बना हुआ नहीं था, मैं काफ़ी पहले आया था यहाँ पे। टेबल है ना ये 1000 रुपीज़ ये जो एक टेबल लगाई है इन्होंने यहाँ पर, ये छोटी सी एक पान की टेबल, तो भाई साहब बता रहे कि इसका इनको 1000 रुपीज़ पर डे रेंट देना पड़ता है। अब आप सोचिए कितना रश इनके पास होगा, शायद कॉफ़ी वगैरह भी आप कॉफ़ी मिल जाएंगे। दूध के अलावा क्या क्या है आपके पास खाने में? इंडियन है, चाइनीज है, इटालियन है। इंडियन चाइनीज इटालियन ये देखिए रश अभी भी आप कम नहीं कह सकते, काफ़ी रश है अभी भी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है रश बढ़ता जाएगा। और ये यहाँ पर इन लोगों का किचन है और सामने इधर काउंटर है।